बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे इज 30th जुलाई एंड द डे इज़ थर्सडे। योर सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री। आई एम केमिस्ट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 हुज नेम इज़ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। योर टुडेज टॉपिक इज शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 to 16। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे जो इक्वेशन है या रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है? ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन। ये हमें पहले याद रखना होगा कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसका ऑक्सीजन नंबर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? ऑक्सीजन नंबर फॉर एल्यूमिनियम इंक्रीज फ्रॉम 0 to +3। देखें, इक्वेशन में जो ना वो कह लें रिएक्टेंट में, मतलब जो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। और अब वो उसी पर जो 3+ लिखा हुआ है, उसका मतलब किसी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हुए। अब वैल्यू तो आ गई ना, मतलब 0 से 3+ हो गया वो। ठीक है, एज एल्यूमिनियम विल गिव अस एल्यूमिनियम 3+ साइन + 3 इलेक्ट्रॉन। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू प्रूव दैट विद एन एग्जांपल दैट कन्वेयन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, हम कहते हैं कैसे आप प्रूव करोगे कि एक आयन की एटम में कन्वेयन जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन एनायंस, एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एटम, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव आयन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो है वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे दे आर ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज मीन कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ही ऑक्सीडाइज हुए ना। कन्वेयन ऑफ क्लोराइड आयन टू क्लोरीन एटम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए सीएल नेगेटिव आयन, क्वेश्चन यही है ना कि कैसे आप प्रूव करोगे कि एक आयन जो है ना वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है और तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सिर्फ एनायन के केस में होता है, कैटायन के केस में नहीं होता। ठीक है, जिसका मतलब कि ये क्वेश्चन है वो फुलफिल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एनायंस के लिए या उन आयंस के लिए जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जस्टिफाई विद कमेंट। कह रहा है कि देखिए आपने दो पढ़े ना सेल, एक गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कह रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल के एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइटिक के गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके नोड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? उसका मतलब आंसर हमें बताना है। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एटम एट एनोड विच मेक इट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। क्योंकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना वो एनोड के ऊपर होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट मीन कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देयरफॉर इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। और जैसे बताए जब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द केटायंस फ्रॉम ए नोड विच मेक इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो केटायंस उससे आके जो ना वो गेन करते हैं। ठीक है, केटायंस भी नहीं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले कह लें कि आयंस जो है वो नोड पर जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन के तो मतलब उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंस होगी, कमी होगी, देयरफॉर इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास ज़्यादा हो तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है ना वो उसकी एग्जांपल है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की कहते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर। होता है वो सर्किट के में अगर आप डायग्राम देखो तो एक्सटर्नल वायर से क्या होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। किस तरफ? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स को हमने एनोड कैथोड के नाम क्यों दिए गैल्वेनिक सेल, बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड वेयर एज रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक,
व्हाट अपन ऐड कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल, कहते गैल्वेनिक सेल पे टू कैथोड होता है, उसको क्या होता है, ऐड कैथोड रिएक्शन ऑफ कॉपर आयंस, ठीक है, टेक प्लेस, कहते कि जो कॉपर आयन जो कैथोड के ऊपर आते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय कॉपर आयंस, ठीक है, कॉपर एंड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन से, एंड कॉपर एटम आर डिपॉजिट एट द कैथोड। नीचे इक्वेशन से हो रहा है कि कॉपर आयंस जो ना वो सॉल्यूशन से जो ना वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बनेगा, कॉपर एटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सॉल्यूशन इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल, नेल्सन सेल जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है, कहते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हम इसमें यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो हम इसमें ब्राइन यूज़ करते हैं, जिसको क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, याद है ना, को इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। बहुत ही शॉर्ट से क्वेश्चन है जो कि आने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द नेल्सन सेल्स। बाय प्रोडक्ट बेटा वो चीज़ होती है, एक तो होते प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर होता है, जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम प्रिपेयर करने के लिए कोई भी प्रोसीजर या कोई भी प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है, उसके साथ एक और यूज़फुल चीज़ हो, थिंग हो, ठीक है, लेकिन हमारी वो रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब अगर उसको हम सेव कर लें तो वो बाद में किसी और चीज़ के लिए हमें वो यूज़ हो सकती है, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के साथ एक और यूज़फुल आने वाली चीज़ को हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। कौन कौन सी है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरिंग गैस आर द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द नेल्सन सेल्स, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई इज़ गैल्वेनाइजिंग डन, कहते हैं गैल्वेनाइजिंग हम क्यों करवाते हैं, तो वही जो ना इसका आंसर भी वही है कि मतलब व्हाट इज़ द गैल्वेनाइजिंग एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग, पढ़ा ना, सेम उसका आंसर यही है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, मतलब जिंक के ऊपर, सॉरी आयरन के ऊपर जिंक की जो ना कह लेंगे कोटिंग को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। और एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रोइन इवन आफ्टर द कोटिंग सर्फेस इज ब्रोकन, ठीक है, के लिए किसका फ़ायदा क्या है कि जिंक जो है ना वो आयरन को जो ना क्रोइन से तब तक प्रोटेक्ट करती है, मतलब अगर से जो ना कह लें कि कोटिंग सर्फेस रिमूव भी हो जाए, ब्रेक भी कर जाए, उसके बाद भी जो ना वो उसको जो ना कह लें प्रोटेक्ट करेगी किससे, क्रोइन से, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। डायरी वर्क चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 to 16 फ्रॉम एक्सरसाइज लर्न एंड आल्सो राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर नेट रजिस्टर। स्टेबलेस क्लास, अल्लाह हाफिज़।